हावड़ा से आमता आए हैं, आमता से आप ई रिक्शा कर लीजिएगा कॉलेज मोड़ के लिए। कॉलेज मोड़ के बाद आपको बस मिल जाएगा, बस से आप खौरोग जा सकते हैं। खौरोग में बहुत अच्छा टेंपल है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। खौरोग के लिए 10 रुपया पड़ेगा। और हावड़ा से आप आएंगे, हावड़ा से अगर आप आके टिकट लेते हैं तो 15 रुपया आना 15 रुपया जाना पड़ जाएगा, रिटर्न कर लीजिएगा तो उसे आराम मिलता है। जब ट्रेन से बैठ के आ रहे थे काफी गांव लग रहा था, लेकिन जब हम अंदर की तरफ आए, स्टेशन से बाहर आए और अच्छा खासा शहर है और बहुत अच्छे अच्छे मकान वगैरह सब कुछ है। मार्केट वार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट वगैरह और सब्जी वब्जी फल बहुत सस्ता है यहाँ पे। यहाँ पे मोड़ पे रोक दिया था, इस तरीके से है कॉलेज मोड़, यहाँ रोक दिया था। आपको यहाँ से बस ऑटो सब मिल जाएगा। चलिए फिर आश्रम बताइएगा, खौरोग आश्रम 10 रुपये पड़ रहा है खौरोग आश्रम के लिए। काफी अच्छा वातावरण है, अच्छा लग रहा है। हमको वैसे भी गांव पसंद है, मतलब बहुत बंजर गांव ना हो कि कुछ मिलता ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत दुकान उकान हो, थोड़ा तालाब हो और अच्छा, मतलब फूलवारी फलवारी सब्जी अब्जी लगी हो, इस टाइप का हमें गांव अच्छा लगता है। कुछ जगह बिल्कुल बीघड़ है ना, मतलब बिल्कुल कुछ मिलता ही नहीं है, तो उस टाइप का गांव में नहीं पसंद आता है। देखिए कितना सुंदर, पुल के ऊपर नदी है, साफ सुथरा नदी। ये देखिए कितना खूबसूरत है, सब लोग नहा रहे हैं। आपको इस टाइप का जगह बहुत पसंद है, अच्छा शौशान, अच्छा। मंदिर में आ गए हैं, आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का सुंदर सा मंदिर है, काफी विशाल बना हुआ है। रोड बन रहा है, अभी हम आ रहे थे ना तो रोड बन रहा है, हम सब लेबर लोग को काम करते हुए देखा है। देख सकते हैं विशाल बड़ा मंदिर बना है, बहुत बड़ा जगह में बना हुआ है, देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए सामने से दिखाते हैं और काफी सुंदर साफ सुथरा तालाब है, तालाब बिल्कुल, मतलब सीढ़ी भी लगा हुआ तो इसका मतलब भगवान जी का मतलब बर्तन अर्तन धुलता है। को घुमा के दिखाते हैं, कितना विशाल बड़ा बना है, देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ट्रेन में एक दीदी मिल गई थी, उन्होंने कहा था आप चले जाइएगा इस तरीके से, तो उनका उन्होंने हमको हेल्प किया है, तो उस तरीके से ही आ रहे हैं। काफी बड़ा अच्छा सा सुंदर सा बना है, काफी बड़ा मैदान है, देख सकते हैं दोनों तरफ गेट है, मैदान है, काफी बड़ा सुंदर सा मैदान है। बाप रे बाप, बहुत दूर तक की है, बहुत दूर तक की विशाल मैदान बना है। ये देखते हैं, सुंदर सा व्यू दिखाए आपको, बहुत अच्छा। थोड़ा धूप ना आता रहता, थोड़ा सा छाए रहता तो और अच्छा लगता, बहुत तेज गर्मी लग रही है, बहुत अच्छा सुंदर सा है, कितना सुंदर दृश्य है। बहुत सुंदर इस तरीके से, बहुत अच्छा। नल वगैरह लगा है पानी नहीं डालने के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए। पता नहीं काहे का पेड़ है, देखिए रेड और ब्लैक कलर में, पहली बार देख रहे हैं। बहुत अच्छा सीन, बहुत बढ़िया लग रहा है,
फल लगा हुआ है, ये लीची जैसा है लेकिन दूसरा फल है। लीची लीची है, हाँ लीची है, ये देखिए लीची का पेड़ है, काफी सुंदर, बहुत अच्छा है। सीजन का सुंदर सुंदर प्लांट लगा है फूलों का, अच्छा लग रहा, मतलब ध्यान दिया जाता तभी तो इतना फ्रेश, और सब कितना बढ़िया पिंक कलर, देखिए कितना अच्छा कलर है, बहुत सुंदर। मेरा मोबाइल ख़राब है इसकी वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन नेचुरल देखिए कितना अच्छा कलर है, बहुत अच्छा, मतलब मेहनत करके लगाया है। पानी वगैरह डालते हैं क्योंकि इतनी गर्म होने के बावजूद भी फूल है, कितना सुंदर पर्पल, भगवान की प्राकृतिक देखिए कैसा नेचुरल कलर है, बहुत सुंदर। कभी कभी ऐसा होता है ना, मट्टी मट्टी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ये कितना सुंदर प्राकृतिक चीजें हैं, देखिए कितना सुंदर। वो वॉचमैन गुस्सा रहे हैं, कह रहे कि 4:30 बजे आइएगा, अब 12:30 बजे है, हम कहाँ तक बैठे रहेंगे, कितनी देर बैठे रहेंगे। देख सकते हैं कितना बड़ा टाइम को, तो फोकल वाले क्वार्टर समय खोले, अच्छा क्वार्टर थी खोले, अच्छा 8:00। यहाँ सुबह खुला नहीं रहता है, आप लोग सुबह मत आइएगा, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करके परमिशन लिया है, तो आप लोग 4:30 बजे आइएगा, 4:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक ही खुला रहता है। कोशिश करिएगा आप 3:30 बजे ही आ जाए, तो उसके बाद जो है मतलब दूर से निकलेंगे, इसलिए बता दे रहे हैं, और हम बहुत रिक्वेस्ट करके। और इतना अच्छा बना है, देखिए बन रहा है, अभी भी सब बन रहा है, और गौशाला भी है, और काफ़ी सुंदर दूर तक ही बना हुआ है। हमने बहुत रिक्वेस्ट करके वीडियो बनाया है, क्योंकि वो बनाने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं अभी बाबू आ जाएंगे, हम लोग की नौकरी चली जाएगी। चलिए फूल दिखाएं आपको, ये देखिए कितना सुंदर फूल है, ये सजाने के लिए है, मतलब फूल जो है बगीचे से भी तोड़ वो 4:30 बजे खुलेगा। ये बाबा राम कृष्ण देव जी और माँ शारदा देवी की मंदिर है, और इस हाँ रामकृष्ण और माँ शारदा देवी, तो इस तरीके से बिल्डिंग में रहते हैं इनकी फैमिली, और इस तरीके से फूल वगैरह आपको दिखाया है। पेड़ पौधे तो इतने हैं, चीकू लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत चीकू प्रसाद के लिए सब लगा के रखा है, भगवान जी का भोग लगता है। चीकू लीजिए, आम लीजिए, कटहल लीजिए, तरह तरह के फूल लीजिए, और सफेदा लीजिए, बहुत है बहुत है। ये देखिए कितना खूबसूरत गुलाब का फूल, वो गुड़हल का फूल डार्क पिंक में है, और इधर देखिए लाइट पिंक में है, ऐसा लग रहा गुलदस्ता है, कितना सुंदर है, अति सुंदर। लगा हुआ है, फल फ्रूट खूब लगा है, मतलब प्रसाद को
पेड़ पौधा साफ सुथरा, ऐसा कौन सा पेड़ है जो नहीं है। काफी फल फूल का पेड़ होता है, बहुत सुंदर बना है और इतना विशाल बड़ा बना है, विशाल बड़ा बना है। सबसे ज्यादा तो हमें फूल देख के खुशी मिल रही है, नेचुरल कलर मतलब भगवान जी का नेचुरल कलर। आप आमता स्टेशन उतर जाइएगा, वहां से रिक्शा कर लीजिएगा कॉलेज मोड़, हाँ कॉलेज मोड़ बोल दीजिएगा, कॉलेज मोड़ से आपको फिर चेंज करना पड़ेगा खोरपा के लिए। बड़ा अच्छा सा मंदिर बना है, कोई फेस्टिवल होगा तो आएंगे। हाँ अच्छा, चिड़िया मोड़े थके, हाँ अच्छा बाबा जी चिड़िया मोड़ में रहते हैं, दूध वाले भैया बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मंदिर अभी बन रहा है, ये कौन कंप्लीट हो गए मंदिर? अच्छा 25 सन 25 है, सामने वो चढ़े जाए। चलिए खूब बढ़िया, आपको दीक्षा भी मिल जाएगा और अगर आपकी कोई श्रद्धा है तो आप लोग दान, आपके पास जो भी कुछ है आप दान कर सकते हैं मंदिर में। आपके पास जो भी श्रद्धा है, हमको 500 देना है, 1000 देना है, 200 देना, आप यहाँ पे आप श्रद्धा के अनुसार आप दान भी कर सकते हैं। और 4:30 बजे से लेकर 8 बजे तक की मंदिर खुलता है, सवेरे बिल्कुल भी नहीं खुलता है। चलिए दोस्तों यही वीडियो समाप्त करते हैं, थोड़ी सी भी हेल्पफुल अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करते रहिए, और लोगों को भी हेल्प हो इतनी दूर से मंदिर देखने आप आए। नमस्ते, आप लोग खूब हर्ष खुश स्वस्थ रहिएगा।